तो ये हमारा टीला और हम टीले पे तो घूम चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर पे। ये हमारे दोस्त, हम अपने दोस्तों के साथ आए घूमने आज। आज हमने बहुत सारी जगह घूमी और यहाँ पे एक बहुत बहुत अद्भुत पेड़ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो बनी हुई है तस्वीरें, ये देखिए बहुत अद्भुत पेड़ है यहाँ पे, बहुत सालों पुराना पेड़ है। ये देखिए इसकी जड़, ये देखिए देखिए, बहुत ही मतलब यूनिक पेड़ है एकदम। और यहाँ बहुत ही खेतों की तरफ हम आए थे घूमने। और ये देखिए सबसे पीछे हमारे चाचा चल रहे हैं। और ये सूरज डूब गया, हम घर जाने में आज लगता है थोड़ा लेट हो जाएंगे, रात हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं, अपना पर्दे लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, हमें मिले थे यहाँ बेर, अब हम बेर खाने जा रहे हैं। देखिए बेर, ये देखिए बबूल, सॉरी खजूर। गलत हो गया, गलत हो गया। अभी हम गए जब जा रहे थे टीले पे, तो अब सबके पैरों में घुसाते वो घुसे कहा कांटे, कांटे घुसे थे कांटे। अब ये देखते हैं किस किस के पैर में फिर से कांटे घुसते हैं। मैं चल रहा हूँ संभल कर। ये देखिए कितने यहाँ पे कांटे, देखिए देखिए। अभी रुको, अभी आपको और दिखाते हैं थोड़ा आगे और ले जाके। और ये देखिए हम बीच खेतों में चल रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से क्या निकल आए, बट भैया मौज की जिंदगी है, मजे काट रहे हैं, घूम रहे हैं मस्त। और ये हमारे चाचा हैं, ये थोड़ी रास्ता भटक गए हैं, ये देखिए रास्ता भटक गए, बट ये भी उसी रास्ते पे आएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। और वो देखिए बहुत पुराना पुल जिसकी हालत हो चुकी है डैमेज। और ये देखो 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 कितनी जल्दी हो रही है हमारे भाइयों को तो वहाँ पुल पे जाने की। और ये नदी छोटी मोटी जो भी हमारे यहाँ की वो, और घर जाने की सबको बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि दिन ढलने वाला है और रात में जंगलों में खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये देखिए मौज लेते हुए हमारे दोस्त, ये देखिए पुल पे मजे ले रहे हैं, फुल मौज में काट रहे हैं, फुल एकदम। चलते हैं पुल की तरफ। ये हमारे यहाँ का पुल, यहाँ पर मछली और इसमें बहुत सारी ढेरों सारी मछली है, बट दिखाई नहीं देगी, पानी गंदा इस चक्कर में। अब पुल तो दिखा दो। अरे हमारे सोनू भाई बेजर बेचते बोलते हुए नहर में, तो भाई ये ऐसा पुल है अगर इसमें एक ट्रक निकल गया तो ट्रक का पुल खत्म, क्योंकि बहुत पुराना है, खुद भी खत्म और हम भी खत्म। नीचे ओल्ड पुल है ये, बस बात हुई खत्म। और ये हम घर की तरफ जाते हुए जा रहे हैं घर। तो भैया कांटा लग गया, अब हम अपने घर जाने वाले हैं, पूरे हमारे घर शायद आपको धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हो। इस यहाँ क्या है देखिए, हड्डी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो हड्डी तो यहाँ पे तो खतरा है, फिर तो यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, फिर हमें भागो 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 भागो। गाइस इस वाली रास्ते पे थोड़े ज़्यादा कांटे हैं इसलिए हम इस रास्ते से नहीं जा रहे, अब हमने तो दूसरा रास्ता पकड़ा है घर जाने के लिए, सॉरी घर नहीं, अभी तो हमें अपने दोस्त का दूध लेके आना है एक गांव से, अभी हम उस गांव में जाएंगे, वो आपको जस्ट सामने वो घर दिखाई दे रहे हैं, हमें उस गांव में जाना है। और वो गांव अभी वो गांव भी अभी दूर है,
देखिए गाइस, हमें थोड़ा नुकसान करना पड़ रहा है खेत वालों का। अगर खेत वाला आ गया तो हमारी खटिया खटिया कड़ी और बिस्तर गोल है। बट क्या करें, वहाँ पे कांटे थे, अब कांटों से बचने के लिए थोड़ी मार मार पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए गाइस, ये है हमारे यहाँ के पुतले, इनसे जंगली सुअर सिरकटा वगैरह ये नहीं आते। और गाइस, आज शायद आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही हो, बस इन्हीं इनसे ही डर लग रहा था। और गाइस आ चुके हैं, क्योंकि शाम हो गई है, हम जा रहे हैं बहुत जल्दी घर। बस हम घर अभी, मतलब अभी घर नहीं पहुंचेंगे, अभी तो घर बहुत दूर है। भैया हमारी मौसी जी का खेत है वहाँ तक, और बोरा गांव जहाँ हमें दूध लेके आना है बोरा। हो गाइस, चलो हम आए, आ तो गए सही सलामत रोड पे। फाइनली हमने अपनी रास्ता पूरी कर ली और हम जाने वाले हैं अब सुचावली गांव। ये देखो, ये हमारे गांव के रास्ते, ये हमारे यहाँ का प्रधान है। बस सही समय पे टाइम पे निकल गया भाई, और हम बहुत सही टाइम पे निकल के आए हैं। देखो अब रोड चेंज, अब सिंगल रोड पे आ गए हम। अभी हमारा एक साथी पीछे रह गया है। बस हमारा एक साथी पीछे है क्योंकि वो थोड़ा फोन पे बिजी है। वो देखिए, नहीं उनकी अभी शादी हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं, होता है, सबके साथ होता है। ये हमारे यहाँ का स्विमिंग पूल आने वाले हैं, और ये हम अभी थोड़ा थक गए हैं सब, इसलिए थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है। बट हम उस टीले पे से देखिए कितना टाइम से आ गए। आपको लग रहा होगा वो बहुत पास है, बट वो टीला बहुत दूर है। बट वहाँ से आ गए, बस हमें एक बार जाना था हमें उस टीले पे, वो हमने आज अपना ड्रीम पूरा कर लिया। और ये मेरे सारे दोस्त थक चुके हैं, हमें मिल गया ये देसी स्विमिंग पूल, और अब हम पियेंगे इसमें पानी। सो गाइस, मिलते हैं अभी एक मिनट के ब्रेक के बाद। हम आ गए यहाँ पे पानी पीने। ये देखिए हमारा दोस्त पानी पी रहा है, देसी स्विमिंग पूल में देसी स्टाइल से पानी पीना। तो फाइनली हमने पानी पी लिया है, और अब हम फिर से मंजिल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और ये देखिए मेरे दोस्त कितने वो हैं, मतलब मुझे अकेला छोड़ के आ गए वहाँ। गाइस अगर आपको दिख सके तो देखिए, वो ट्रेन जा रही है वहाँ पे, पर दिख नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा तो ट्रस्ट हो गया होगा कि हम सही सही बोल रहे हैं, तो ट्रेन जा रही थी। बस गाइस थोड़ा दूर और हमारे, और हम हमारे गांव के चाचा हैं। फाइनली हम पहुंच गए अपने गांव के रोड पे, बहुत लंबा सफर करके हम आए अपने रोड पे। और ये देखिए हमारे यहाँ के रोड, बस बंद कर। ये देखिए फाइनली हम अपने रोड तक आ चुके हैं, मंजिल तक, और हमें लेना है यहाँ इस गांव से दूध। और फाइनली हमें हमारे ताऊ भी मिल गए, ये रहे। और ये हमारे यहाँ की बबूल, सनसेट हो चुका है, हमारे ताऊ जा रहे हैं। बांस का पेड़ है दोस्तों ये हमारे यहाँ का, तुमने यहाँ पर देखा ही नहीं होगा कभी, तुमने यहाँ पर देखा ही नहीं होगा कभी। चाचा आप इतनी दूर से आए तो आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए चाचा हमारे बिल्कुल थके हुए हैं, अब थक गए। और ये हमारे यहाँ के लौंडे सेल्फी ले रहे हैं, ये देखिए कमांडो। तो फाइनली हम जहाँ पे हमें दूध लेना था, हम उस गांव में भी आ चुके हैं, नहर वाले पुल पे चलेंगे। इस गांव का नाम है सुचावली कदीम, ये गांव का तालाब। फाइनली हमें जहाँ जाना था, हम उनके घर पहुँचने वाले हैं दूध वालों के अपने। और ये हम गांव में आ चुके हैं, ये हमारे गांव की भैंस है। गाइस इस बंदे ने हम थोड़ा आधा घंटे लेट कर दें, क्योंकि इसकी भैंस ने दूध नहीं दिया है। और ये हमारी जिन भैंसों का हम दूध पीते हैं वो ब्लॉग बनो। यहाँ हमारे दूध वालों के घर पे चल रहा है थोड़ा काम, इसी चक्कर में आज हो गए हम थोड़ा लेट, वरना हमें 6 बजे दूध मिल जाता है। सो फाइनली हमने दूध के चक्कर में अपने दोस्तों से भी झूठ बोल दिया, आधा घंटा लगेगा दूध करने में। और हमने अपने दोस्तों से बोला है कि बस 10 मिनट अभी आ रहे हैं।
ये देखिए छोटे छोटे बड़ी नाजुक से पिल्ले यहाँ पे दूध लेने, और अब हम लेंगे दूध। क्या लेके आए हमारे लिए? नमकीन खाने के लिए। ये देखिए यहाँ भैया लाए हमारे नमकीन खाने के लिए। देखिए 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 लड़ रहे हैं नमकीन के पीछे। मुझे मिली आधी नमकीन और मैं खाऊंगा ऐसे थोड़ा देर बाद। ये भैया ने की है बेईमानी, भैया को पहले एक मिल चुकी थी और ये आधी और खा गए। और ये हमारी आंटी दूध काट रही हैं। और देखिए इस गांव में बन रहा है, शायद आपको जेसीबी दिखाई दे रही हो, इस गांव में बन रहा है मच्छी पालन। घंटे ढूंढते हमारे सोनू भैया भी आ गए। यस, ये गेम खा के आते हुए, गेम खा के आए और वो हमारे महेश भैया आ रहे हैं। हमने ले लिया दूध जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे, जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अरे हमारा वो दोस्त है हमारे साथ नहीं आ रहा, ये फोन करके पूछ रहा है कहाँ आ गए, बहुत लेट होगी क्योंकि हम घर से दो घंटे के निकले हुए हैं। गाइस हम आपको यहाँ अपने यहाँ की एक और चीज दिखाएंगे, रुके रहिए हमारे साथ। और फाइनली हमें घर पहुँचते पहुँचते लग रहा है आज बहुत अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी इतना अंधेरा है, तो हम घर जाते हुए हमें कितना अंधेरा हो जाएगा। और अभी हमें 3 किलोमीटर आगे और जाना है अपने घर। मंदिर है जहाँ हम जाने वाले हैं, है अभी 5 मिनट की रास्ता है वहाँ तक की, पहुँच के फिर आपको हम हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं। बहुत विशाल हनुमान जी हमारे यहाँ के, वो हमारे पुरदिल नगर में उस जैसी मूर्ति नहीं है अभी। और ये फाइनली हम मंदिर तक भी आ चुके हैं, लाओ आपको विशाल हनुमान जी की मूर्ति दिखाएं। सो गाइस ये है हमारे यहाँ की मूर्ति, ये हमारे यहाँ के विशाल हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी हैं ये। और यहाँ का मंदिर, और हमारे दोस्त फिर से मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। आज हमने अपना मिशन टीला, जिसका रियल नाम है औचता, वो पूरा कर लिया है। और पूरा करके देखो हमें रात हो चुकी है, हम घर जा रहे हैं अपने। अभी और देखिए हमारे यहाँ की चीज़ें। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर और हमें हो चुकी है रात। आज हमारे हमारे पापा हमारे गट्टे तोड़ेंगे। सो इसी के साथ बाय बाय। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम आपको एक और चीज़ दिखाने वाले हैं कि हमारे यहाँ पड़ रही है पाइपलाइन पानी के लिए, जो अभी हम गांव में गए थे वहाँ के लिए पाइपलाइन पड़ रही है यहाँ पे। ये देखिए ये काम चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पड़ रहे हैं पाइप। ये देखिए ये पूरा काम चल रहा है, और ये बगीची है ये।